हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है ग्लूटाथियोन को लेकर। ग्लूटाथियोन आखिर है क्या? ग्लूटाथियोन क्यों हमें ज़रूरत होती है इसकी? तो ग्लूटाथियोन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिससे हमारी त्वचा में निखार यानी कि स्किन में रंगत लाने के लिए और भी गोरापन लाने के लिए या चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, फ्रिकल्स हो जाते हैं या टैनिंग वगैरह या सनबर्न की परेशानी होती है, तो इससे हमें छुटकारा मिल जाता है। या बहुत से ऐसे युवक हैं, युवतियां हैं या महिलाएं हैं, बच्चियां ऐसी हैं कि वो चाहती हैं हमारे चेहरे पर या हमारी पूरी बॉडी पर ही अलग से ही प्राकृतिक निखार आ जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारा सांवलापन है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जो बचपन से ही सांवलेपन के शिकार हैं उनमें रंगत आ जाती है। जो सांवलेपन से पीड़ित हैं, पीड़ित ही कहेंगे क्योंकि अपने आप को वो सोचते हैं भाई हम तो सांवलेपन से पीड़ित हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते सांवले रंग के लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। आपका नैन नक्कस अच्छा है तो आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं बस, और बाकी आप शरीर से स्वस्थ हैं, कोई बीमारी से पीड़ित तो नहीं है ना बस। लेकिन हाँ, बहुत से कई हद तक ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि चेहरे में और भी रंगत आती चली जाए, या जिनको पिगमेंटेशन की परेशानी है वो काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक हो जाता कहीं हद तक, फिर वही सिचुएशन आ जाती है या पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता, तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ज़रूरत है कि ग्लूटाथियोन की मात्रा थोड़ी सी उनके शरीर में ज़्यादा हो। ग्लूटाथियोन क्यों ज़रूरत होती है हमें लेने की? जब मेलानिन ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, ज़्यादा ही मात्रा में बनने लगता है, तो उसको कम करने के लिए ग्लूटाथियोन की ज़रूरत पड़ जाती है। और एक बात और कहूँ मैं, बहुत से बच्चे या बच्चियाँ, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि हम ग्लूटाथियोन कैप्सूल ले लें, कोई सप्लीमेंट ले लें, उससे पूर्ति हो जाएगी। तो मैं उनसे कहूँगा आप पैसे व्यर्थ कर रहे हैं। एक तो प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और ग्लूटाथियोन की आप कैप्सूल या कोई सप्लीमेंट लेते हैं, मन में ये सोच विचारधारा ले रखी है आपने कि हाँ हमें तो ग्लूटाथियोन की मात्रा पूरी हो रही है जो शरीर में जानी चाहिए, वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप कैप्सूल या सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात तो मन से निकाल दें कि हाँ भाई हमें प्रचुर मात्रा में ग्लूटाथियोन मिलेगा शरीर में, ऐसा नहीं है, पैसे वेस्ट जा रहे हैं आपके, वो एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पाता। ग्लूटाथियोन प्राकृतिक रूप से ही हमारे शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होता है, अपने आप ही बन जाता है। वही अगर हम खानपान ठीक रखें, हमारे खानपान में, हमारे फूड्स में, हमारे फ्रूट्स में, या जो भी हम खानपान करते हैं इसमें सभी में, गेहूं में, बाजरे में, जौ में या फलों में प्रचुर मात्रा में ग्लूटाथियोन होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर तो रहे हैं, बन तो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी तेज़ी से बन जाए। तो चलिए मैं एक नुस्खा बता देता हूँ आपको आयुर्वेदिक, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता, हर कोई ले सकता है, इजीली बना भी सकता है, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती इसकी। और ग्लूटाथियोन की मात्रा जो आप चाहते हैं कि वो प्रचुर मात्रा हमें मिलती रहे और मेलानिन प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको कम करता चला जाए, तो ग्लूटाथियोन की मात्रा प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी, पूरे शरीर में निखार भी आएगा और जैसा आप चाहते हैं रंगत भी आ जाएगी, एक अलग सा ही प्राकृतिक निखार आ जाएगा। तो चलिए, बाकी ग्लूटाथियोन का प्रयोग बहुत सी बीमारियों में किया जाता है, कैंसर तक के रोगों में किया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जो कीमोथेरेपी होती है उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए ग्लूटाथियोन का प्रयोग किया जाता है, इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। कई बार शुगर पेशेंट को भी दिया जाता है, कई बार जो बहुत रोगों से लड़ रहा है, झूंझ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। बाकी बहरहाल चलिए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है आपका वीडियो से, बहुत से कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मेरा मानना ही है भाई तसल्ली से समझाना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए अब मैं सीधे बता देता हूँ, जिनके शरीर में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, फेयरनेस उनमें ना के बराबर देखी जाती है। लेकिन जिनमें मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है, ग्लूटाथियोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उनका कलर फेयर देखने को मिलता है, हमें त्वचा में निखार देखने को मिलता है। तो सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा में भी निखार हो और नेचुरली ग्लूटाथियोन हमें मिलता चला जाए। तो मैं छोटा मोटा पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैं नुस्खा बता दूंगा आपको कि क्या लेना है आपको। तो अगर आप रोज़मर्रा की चीज़ों में इन चीज़ों में बदलाव करेंगे तो उससे भी पूर्ति हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ग्लूटाथियोन की मात्रा किस में होती है, अगर कोई नॉनवेज का सेवन करता है तो फिश मछली एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ग्लूटाथियोन ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। हल्दी, टर्मरिक सबसे ज़्यादा मिल जाता है, हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और ग्लूटाथियोन भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। नाशपत्ती, अगर हम फल में देखें तो नाशपत्ती
केला, नारंगी, बनाना इसमें भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ग्लूटाथियोन ही भरा हुआ है इसमें, लेकिन अगर देखा जाए अच्छा खासा इसमें ग्लूटाथियोन हमें देखने को मिल जाता है। भिंडी, भिंडी एक ऐसी सब्जी है लेडी फिंगर कि उसमें भी ग्लूटाथियोन अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ऐसा खान पान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कि पालक में पाया जाता है, और आपका नारंगी जैसे मैंने बता दिया था इसमें ही पाया जाता है, और बहुत सारे फल हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ई कैप्सूल वगैरह आते हैं, विटामिन ई के, विटामिन सी की टैबलेट आती हैं, इनमें भी पाया जाता है ग्लूटाथियोन। तो चलिए अब मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ, इसके लिए क्या लेना, और जो भी मैं बताऊँ किसी भी पंसारी से आपको इजीली मिल जाएगा आसानी से, और आप ले लें उसको, और जैसा मैं कहूँ ऐसे प्रयोग करें और ग्लूटाथियोन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। और जिनका डार्क कलर है और सांवलेपन के ज़्यादा ही शिकार हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बचपन से सांवलेपन के शिकार हैं तो बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ये कहना गलत हो जाता है। हाँ, जो ऐसे हैं कि भाई वो थोड़ा सा रंगत लाना चाहते हैं शरीर में, अपनी पूरी ही त्वचा में फेयरनेस लाना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पहले तो फेयर थे लेकिन अब समय बदलते बदलते हम थोड़े से सांवलेपन के शिकार हो रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे, या ऐसे हैं बहुत से दाग धब्बे हैं चेहरे पर, पिगमेंटेशन है, फ्रिकल्स हैं, मलाजमा है, या सनबर्न है, टैनिंग है, और किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं पुराने और वो सही से ठीक नहीं हो रहे, तो उनको पूर्ति करनी है ग्लूटाथियोन की, और मैं बता देता हूँ कैसे पूर्ति होगी। तो चलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जिसमें भी प्रचुर मात्रा में मिलता है आयुर्वेदिक के अनुसार वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो प्रयोग कराया है मैंने वो बता रहा हूँ, और इजीली आप अवेलेबल कर लेंगे। तो इसके लिए शतावर ले लें, शतावर में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ग्लूटाथियोन की मात्रा होती है, तो आप शतावर ले लें, लगभग 100 ग्राम या फिर 50 ग्राम अपने अनुसार आप ले लें, लेकिन जो भी मैं बताऊँ बराबर मात्रा में ले लें, तो 100 ही ग्राम ले लें आप शतावर। तो दूसरा आपको लेना है सूखा हुआ आंवला, सूखा हुआ आंवला भी पंसारी से आसानी से मिल जाता है, तो सूखा हुआ आंवला ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम शतावर ले लिया आपने, और 100 ग्राम खसखस। अब ये तीनों चीज़ों का बारीक पाउडर बना लें और एक साथ मिक्स कर लें, अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा, छानना इनको नहीं है, बारीक से बारीक कर पाउडर बना लें, क्योंकि खाना है आपको, एक खाने वाली औषधि है, छाने ना इसको, और बहुत सी बार पीसने में सही से नहीं आता, छानना भी पड़ जाता आपको, छान कर फिर उसको पीस लें, यानी कि छान कर वेस्टेज कुछ नहीं करना इसके अंदर, आप तीनों को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब लेने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या रखना है, और जिससे और भी जल्दी ग्लूटाथियोन की पूर्ति भी हो जाएगी शरीर के अंदर और निखार भी आता चला जाएगा। तो दूध से ले लें, ज़्यादा उचित रहेगा, सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में दूध से ले लें, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी गर्मी नहीं होगी इससे शरीर में, और आपकी मेडिसिन अगर किसी भी परेशानी की चल रही है तो चलती रहे, कोई आपत्ति नहीं है, आप उसके साथ में भी ले सकते हैं। तो एक चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, फंकी लें अपना, एक नॉर्मल एक कप या एक गिलास दूध पी लें, दूध में भी अच्छी खासी मात्रा होती है ग्लूटाथियोन की। दूध हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, दही हो गई, मट्ठा हो गया, तो इसमें भी ग्लूटाथियोन होता है। तो एक गिलास दूध या एक कप दूध जितना अवेलेबल हो आपके पास उससे ले लें आप, और अगर दूध से ले रहे हैं, अगर दूध नहीं है तो पानी से ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, फाउंडेशन है कि दूध ही अवेलेबल हो तभी लें आप, बहुत से ऐसे हैं कि भाई दूध अफोर्ड नहीं करते डेली, तो आप रहने दें, आप पानी से ले लें, एक टीस्पून लें, फंकी लें अपना, पानी पी लें। दूध से ले रहे हैं तो एक बात और गौर करें, दूध से अगर ले रहे हैं तो एक चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर और डाल लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, हल्दी आप इस्तेमाल करते हो खाने में, एक चुटकी भर हल्दी डाल लें उस दूध में, और एक फंकी लें और वो हल्दी वाला दूध पी लें। इसी तरह से रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद सोते समय ले लें, एक टीस्पून लें, फंकी लें और एक चुटकी भर हल्दी डाल लें दूध के अंदर, उससे ले लें। और कोई पानी से ले रहा है तो ऐसी ले लें, हल्दी भी जरूरत नहीं है उसको, हल्दी तो मैं एक एक्स्ट्रानली बता रहा हूँ, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में भी अच्छे गुण हैं और ये काफ़ी रोगों से दूर रखती है हमें, बीमारियों से दूर रखती है, तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, तो इस तरह से ये ले लें आप। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, नहाने से पहले, एक तो पहली बात तो है कि साबुन वगैरह सभी अवॉइड कर दो आप, साबुन से मत नहाओ भाई, कुछ नहीं रखा साबुनों में, बहुत से ऐड आपने देखे होंगे, मैं किसी का किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, या किसी को ये नहीं कह रहा भाई ये साबुन बेकार है, वो है वो है, अपनी जगह वो ठीक है भाई, मेरी जगह मैं ठीक हूँ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, और आपकी इच्छा मानना ना मानना आपके हित में है, बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि सही नुस्खे दूँ, वो नुस्खे दूँ जो मैं इस्तेमाल करा चुका हूँ पेशेंटों पर, जिसका मुझे रिजल्ट पूरी तरह से मिल चुका है। चलिए, तो आपको करना क्या है,
नहाने से 15-20 मिनट पहले आप दूध ले लें, कच्चा ले लें या पक्का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी बॉडी पर दूध लगाएं, उसके 10 से 15 मिनट बाद वॉश करें, नहाएं, नॉर्मल पानी से ही नहा लो, कोई आपत्ति नहीं। फिर देखें आप निखार, आप रिजल्ट खुद देखेंगे। 4 से 5 दिन, हफ्ते भर में रिजल्ट इसका मिल जाता है अगर आप दूध से नहाते हैं। और ज़्यादा दूध नहीं लेने की आवश्यकता, ऐसा ना सोचे कि भाई बाल्टी भर के दूध लेना है हमें, 2-4 चम्मच में ही पूरे शरीर पर दूध लग जाता है। अगर 1 चम्मच दूध लेंगे आप, उसको अच्छी तरह से पूरी बॉडी पर अप्लाई करेंगे, आसानी से लग जाता है। तो 2-3 चम्मच ही दूध लगेगा पूरी बॉडी के लिए, उसको आप रगड़ लें अच्छी तरह से। और फिर देखिए ये मैल भी उतार देता है। बहुत सी बार ऐसा होता है भाई, हम बाहर काम करते हैं, धूल मिट्टी में रहते हैं, तो मैल भी चढ़ जाता है, कई बार पता भी नहीं चलता। तो आप अच्छी तरह से, और साफ़ सफाई भी रखता है, रंगत भी गोरी करेगा आपकी अगर ये खाएंगे और दूध से नहाएंगे तो। फिर देखें आप सोने पे सुहागा। और खान पान में कुछ नहीं, हरी साग सब्जी का ज़्यादा सेवन करें, भिंडी का ज़्यादा सेवन करें, नाशपत्ती खा लिया करें, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा मिलता है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलता है, और सब्जियों में तो अधिकतर मिलता ही चला जाता है, गेहूँ में, बाजरे में, जौ में, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी ग्लूटाथियोन है। अगर आप थोड़ा सा ही खान पान में बदलाव करेंगे तो आपके चेहरे की रंगत अलग ही बदल जाएगी और आपके शरीर का डेवलपमेंट, विकास भी होगा, कोई आपत्ति, कोई बीमारी आपको पकड़ नहीं पाएगी आसानी से। तो आप दिनचर्या ठीक रखें, सुबह का नाश्ता ठीक करें, दोपहर का लंच करें, रात को डिनर करें, तो भरपूर मात्रा में लें आहार। आप अड़गम सड़गम चीज़ें ना खाएं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं ग्लूटाथियोन के लिए, और नहीं खाते तो अच्छी बात है भाई, नॉनवेज में कुछ नहीं रखा जो अगर आहार हम सही से लें तो। बाकी खान पान में क्या करना, आपको खाना चबा चबा कर खाएं। खाने के दौरान पानी का सेवन ना करें, आधे पौने घंटे पहले पानी लें, आधे पौने घंटे बाद पानी लें। बाकी खड़े होकर पानी ना पिएं, बैठ के पानी पिएं, सिप सिप करके पानी पिएं, खाना खा रहे हैं चबा चबा कर खाना खाएं बस। और बाकी स्ट्रेस ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें, पेट अपना साफ रखें। अगर पेट साफ रहेगा तो लाखों बीमारियों से दूर रहोगे आप। बाकी और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आंवले का जूस सेवन कर सकते हैं, वैसे अगर रोज़मर्रा में करना चाहते हैं तो अंगूर का जूस कर सकते हैं, अनार का जूस कर सकते हैं सेवन। बाकी और भी कुछ दिनचर्या में बदलाव ना करें। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको असमंजस हो रहा है आपको, तो सिर्फ ये पाउडर बना लो 3 चीज़ों का जो मैंने बताया था, आंवला, शतावर और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी खसखस, बस इनका पाउडर सेवन कर लो दूध के साथ सुबह शाम, और दूध से नहाओ बस, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्लूटाथियोन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर को मिलेगा, मैंने इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम से कम होता चला जाएगा। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, कील मुहासे होते रहते हैं बार बार, और दाग धब्बा सांवलापन ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको पहले से, तो वो भी निखार आता चला जाएगा, त्वचा में अलग ही निखार आता चला जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी त्वचा में। आप करके देखें एक बार, आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत काफ़ी जनों पर आजमाया हुआ है, तब मैंने आपको बताया है। बाकी आप ये करें, माइंड फ्री रहें, पेट अपना साफ रखें। बाकी ये आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।